हाँ पास रहे हो, हम सही कह रहे हैं। लड़की की विदा हुई तो लड़की बहुत रोई, लड़की के संग में लड़का रो अलग। लड़की से लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए, बोलो जा काहे रोए। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे छूट रहे, और हम जासो भाई से रोवन लगे कि दो महीने बाद तेरे पीछे हम छोड़न पड़े अपने अम्मा दादा। और ये सत्य है। पहले तो परिचिति आज की बात कुछ अलग है, परिवर्तन होता चला जा रहा है। पहले कितनी सुमित थी घर में, एक परिवार के चाचा दाऊ भी सजियारी रह करके जिंदगी काट लिया करते थे। आजकल परिचिति लड़का अम्मा बाप से दो महीनों नहीं चलते, मुश्किल से साल खान। हाँ, क्योंकि न जाने हमारे आपके विचारों में कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लड़की की शादी हो के आए एक साल तक, सिर्फ एक साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, एक साल बस। और जो दूसरी साल लगी सोई पत्नी शुरू हो जा, सोई पति सुनन लगा। और तीसरी साल पे पत पत्नी दोनों ही बोलन लगा, सोई पड़ोसी सुनन लगा। अंतर हो गया। देवकी एक जगह की बात मैं आपको और बताऊं, लड़की की चौथी चलवे को आई तो लड़का बहुत रो। लड़का बोलो तुम चली जाओ, तुम्हें अच्छो ना लगे, बोले चुप रहो चली जाओ, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। लड़का बोलो तो हम तुम्हें स्टेशन तक भेजन चले, रोवत भाव अपनी पत्नी को स्टेशन तक पठे। आओ स्टेशन बन कछु और देखो, एक सीट पे बैठो दूसरो और रोए रहो। बने पूछी भैया तू कहे रोवत, बन गई तू कहे रोवत। मन की हम तो जासर रोवत, हमारी तो पत्नी इंटरसिटी ते घरे जा रही है। वो बोलो तेरी जा रही तू तासर रोवत है, और मेरी पैसेंजर तो ज्वालामुखी आ रही है, हम तासर रोवत है। तो मुसीबत की बात, किसी की जा रही है वो इसलिए रो रहा है, किसी की ज्वालामुखी आ रही है वो चेन्नई लैंड देती वो इसलिए रो रहे। तो कहने का हमारा मतलब है परिचित जी, देवकी की विदा हुई तो देवकी बहुत रोई, तो देवकी को देवकी की मां ने समझाया, देवकी ससुराल में जा रही हो कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। पंडाल में बैठी हुई सभी हमारी देवियां हमारी बहनाएं, तब में अम्मे थोड़ा अंतर हो गया। बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछ लो, इनकी बेटियों की कभी शिकायत नहीं आती थी घर पे, क्योंकि बेटियों को हमारी बूढ़ी माताएं समझाया करती थी, बेटी ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अगर पत पत्नी में झगड़ा हो जाए मर जाना वहीं पर, अर्थी आ जाए लेकिन रूठ के घर नहीं आना। मैं अपनी बूढ़ी माताओं से आज की देवियों से ये कहना चाहूंगा, अगर 80% आज घर टूट रहे हैं तो लड़की की अम्मा की वजह से। लड़की की मां घर को तोड़वाने में लगी है। जो लड़की ससुराल से अपनी मां से ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू करेगी वो घर कभी बनने वाला नहीं है। हद से ज्यादा जो मां अपनी बेटी से फोन करेगी, बेटी को जो बढ़ावा देगी, वो लड़की कभी अपने पति और सास ससुर की इज्जत नहीं करेगी, कभी सम्मान नहीं करेगी। भक्तों याद रखना मेरी बहनाओं, जो लड़की अपने ससुरे की बातें अपने मायके में शेयर करेगी उस लड़की का कभी घर बनने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो लड़की अपने पति को अपने भैया भाभी की धौंस देगी कि हमारे भैया के ट्रक चल रहे, तो वो लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। मैं अपनी बहनाओं से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माताओं बेटियों को शिक्षा दो, संस्कार दो, और बेटी को ससुराल जाने से पहले समझाया करो कि बेटी ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। आज मैंने देखा इटावा कोर्ट में जाके देखी आप लोग, 2 महीना शादी को हुए तलाक हो गई, वो वाके मौत देखत हुए, वाके मौत देखत हुए बैठे बैठे। तो ये वजह क्या है? वजह यही है मेरी माताओं, जो माँ अपनी बेटी को फोन से समझाती है, लड़ाई करवाती है, बेटी को ससुराल में लेने के लिए चली जाती है। अरे माताओं वो जमाना कहां चला गया, वो समय कहां चला गया, जो हमारी बहनाएं
अगर एक पिता एक पागल के लिए लड़की को कर देता था वो भी जिंदगी काट लेती थी, लेकिन आज समझदार के साथ जिंदगी कटने में बड़ी मुश्किल हो रही है। क्यों हो रही है बहनाओं? मेरी माताओं, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना। जो बेटी को माँ संस्कार अच्छे देगी, वो बेटी कभी भी घर बिगड़ने नहीं देगी। पहले हमारी बूढ़ी माताएं बेटियों से क्या कहती थी, जरा गौर करें। जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभाइयो। बेटी ससुराल में जाने की बात, ग्रेडी की नाई रहियो। मेरी बहन, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में जो तुम्हें था वो मिल गया। याद रखना मेरी बहनाओं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, भागवत सुनने के बाद अगर चार शब्द भी अपने जीवन में उतार लिए तो घर बन जाएगा। याद रखना प्यारे, सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो। सास ससुर की सेवा करना बहन, और आदर करियो पति अपने को। आदर करियो पति अपने को, तुम सरल सुभाव दिखाइयो। ग्रेडी ससुराल में कभी मूड खोल के नहीं रहना, अपना पल्लू सर पर इतना ढके रहना जो तुम्हारे सिंदूर पर पराए पति की नजर ना पड़े। पराए पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर पड़ती है तो तुम्हारे पति की आयु कम होती है। बारे भगवान, घूंघट की फैशन ही चली गई, घूंघट है ही नहीं। और कचु कचु घूंघट मारियो लेती तो कोई फायदा ही ना है। टेला ऐसी आंखें दूर सही दिखान लगती है, घूंघट बहुत लंबो मार है। अंतर हो गयो। अब एक फैशन और चली है। कौन सी महाराज? अरे भैया, लाल साड़ी तो लाल ही लाल सिंगा, लाल ही लाल। हरी साड़ी तो हरो ही हरो सिंगा। हरी चूड़ियां, अरे सिंदूर तो लाल ला नहीं दे। काली साड़ी तो कालो ही कालो सिंगार, जमाले पत काली देवी बैठी हो। अंतर हो गयो, देखो परिवर्तन देखो। ए मुड़ियो घर न रहियो, घर घर समय पे पर घर जइयो। सेवा करियो पति अपने की, तुम भूल न गुस्सा लइयो। ग्रेडी की नाई पे
पहले हमारी बेटियों को शिक्षा दी जाती थी ग्रेडी की तरह से रहना। आज की दशा देखी आपने दद्दा, बिटिया को ब्याह होए अम्मा भज के जात गाड़ी में जकात बिटिया, तू चुपचाप जा ससुराल में दबिए का उसना 20 लाख रुपया दे 20। दबने की कोई बात नहीं है, अड़ू परा गांव की दमाद पकड़वा लो जे बंधवा दो जे, है ना। कहने का हमारा मतलब है हमारी बेटियों को लड़की की माँ कहती है। अब एक बात और बता, एक टेलीफोन और मैं के सही दे दो जा, तो जा कोई बात हो तो फोन कर दियो। और जब से जो टेलीफोन चलो तब से लड़ाई और बढ़ गई है। पहले पति पत्नी में झगड़ा होते जोले बिटिया संजाल पति के लिए वो बाप के लिए चिट्ठी लिखती तो संजाल सलाह हो जाती, लड़ाई बंद। अब लड़ाई भाई टेलीफोन चालू, लड़ाई बढ़ गई। और जब से जो टेलीफोन चलो तब से देखो टॉर्च खत्म, बैटरी खत्म, रेडियो खत्म, टीवी खत्म, घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, फोन जब से पतियन ने पत्नियन को दो तब से उनके पति खत्म। बिलोली में हादसा हो गया फोन के द्वारा, गुजरात में पति देव थे वहीं मरी गए। तो कहने का हमारा मतलब है कि बहनाओं ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। आज देवकी की जब विदा हुई तो देवकी बुरी तरह से रोने लगी, मैया की गलबहियां डाल के रोती है, माँ आज मैं तुझसे जुदा होके जा रही हूँ। शादी के पहले ये सब कुछ मेरा था, शादी के पहले ये गाड़ी मेरी थी, लेकिन शादी के बाद ये पराया क्यों लगने लगता है। आज देवकी रोती है और मैया से कहती है, मैया